हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अतिथि शिक्षक से संबंधित कोई भी अपडेट मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से ये जो है आदेश जारी किया गया है, और ये आदेश जो है 29/1/2024 का है। पूरी अपडेट हम देखते हैं दोस्तों, तो हटाए जा रहे अतिथि शिक्षकों की समस्या के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा मांग की गई है कि उच्च पद प्रभार या अन्य कारणों से नियमित शिक्षक आ जाने से जिन अतिथि शिक्षकों लोक शिक्षण संचालय से संदर्भित पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 10/1/2024 के क्रम में हटाया जा रहा है, उनके संकुल प्राचार्य द्वारा किसी अन्य शाला जिसमें वास्तव में हटने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए पद रिक्त हैं में संतता समायोजित करने का प्रस्ताव दिया जाकर समायोजन पर विचार किए जाने की मांग इस आधार पर की गई है कि उक्त नवीन स्कूलों में अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग का पोर्टल बंद है। अतः उक्त क्रम में अधोलिखित प्रपत्र में जानकारी जिसमें उक्त जानकारी सहित प्रकरण समुचित कार्रवाई मार्गदर्शन के लिए भेजा जा सके। दोस्तों, तो ये एक अपडेट मांगी गई है और ये नर्मदापुरम जिला का आदेश है। दोस्तों, एक अपडेट मांगी गई है कि जो भी अतिथि शिक्षक हटाए जा रहे हैं, जहाँ पर नियमित शिक्षक भर्ती हो गई या प्रमोशन से कोई भी आया या ट्रांसफर से कोई भी आया है, तो वहाँ पर पास में ही यदि अतिथि शिक्षक की वैकेंसी खाली है तो वहाँ पर उन्हें समायोजित किया जाए, और उसी की ये अपडेट मांगी गई है। ये एक जिले का है, लेकिन ऐसे और जिलों से भी अपडेट मांगी जा रही है। जैसे ही मेरे पास और अपडेट आएगी, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।